230-240 देख रहे हैं। अब हमारे बल्लेबाजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी इच्छा को पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। और यहाँ पर हैट्रिक छक्का लगाते हुए बिट्टू मैक्सी। सेंचुरी के लिए मात्र एक छक्का चाहिए और यहाँ पे सेंचुरी। ओहो, शाबाश शाबाश रॉबिन। रॉबिन तो लाजवाब खेला और इस लड़के का मैं फैन हो गया हूँ और मैंने इन्हें पुरस्कार भी अपनी तरफ से दिया है और यहाँ भी ढेर सारा पुरस्कार है और उम्मीद करते हैं कि आगे जो हमारा क्रिकेट क्लब है शांति निकेतन, उसके लिए रॉबिन और अच्छा खेलेंगे। तो ये सब रॉबिन के फैंस हैं, रॉबिन के फैंस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आप देख सकते हैं कि पीछे आपको पेड़ दिख रहा होगा, बगीचा टाइप का। और गाइस लेकिन ये बगीचा नहीं है, मैं अभी जिस जगह हूँ वो है सैंडिस कंपाउंड। आप देख सकते हैं ये सैंडिस कंपाउंड जो कि भागलपुर में है और जो आपको पीछे दिख रहे हैं वो है जॉनसन भैया। हाय जॉनसन भैया। हाय। तब जॉनसन भैया कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और अभी मैं बिट्टू के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ का वातावरण कैसा है? बहुत अच्छा। और भागलपुर में मैं रुका हुआ हूँ और यहाँ सैंडिस में खेलने के लिए आया हूँ और यहाँ देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। तो भैया को पता नहीं था कि मतलब सैंडिस कंपाउंड इतना अच्छा है और ये पहली बार मतलब भागलपुर आते रहते हैं मैच खेलने, लेकिन आज इनको मैंने सैंडिस कंपाउंड घुमाया। तो गाइज मैं बता दूं कि आज हम लोग का मैच है बीहपुर में, बीहपुर जो कि नौगछिया साइड पड़ता है और टाइम 12 बजे निकलना है, लेकिन अभी टाइम तो 9 ही बज रहा है तो हम लोग ने सोचा क्यों ना सैंडिस कंपाउंड जाके घूमा जाए और एक दो मैच खेला जाए, प्रैक्टिस मैच। तो क्या खेलेगा ना? तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड और आज तो मैच है बीहपुर में और मैं बता दूं कि सेमीफाइनल मैच है, तो बहुत अच्छा मैच रहेगा। शायद नौगछिया टीम से है तो नौगछिया में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। इस ब्लॉग को पूरा अंत तक देखिएगा। और आप देख सकते हैं गाइज कि ये सैंडिस कंपाउंड जो कि बहुत अच्छा बनाया गया है और पूरा कंपाउंड मतलब आप घूम सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे जॉनसन दादा घूम रहे हैं और इस साइड भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे पूरा इस साइड ग्राउंड है, ये रहा ग्राउंड और ये रहा कुआं, बहुत गहरा कुआं है यहाँ पे। और इधर झूला झूल सकते हैं। अभी हम लोग तो सब सैंडिस के बाहर में बैठे हुए हैं और यहाँ पे डॉग खेल रहा है जॉनसन वे के साथ और आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग का बाइक आ रहा है, बाइक आता है तो फिर यहाँ से निकलते हैं। और हम लोग सब अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं और सब यहाँ पे पेट्रोल भराते हैं और फिर निकलते हैं ग्राउंड बीहपुर। और मैच तो बहुत रोमांचक होने वाला है और थोड़ा सा लेट हो गया है, 12:30 बज गया है, तो 1 बजे से स्टार्ट होगा, तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग सब ग्राउंड आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इधर हमारे टीम के सभी प्लेयर सोनू भैया और भी हमारे सभी टीम मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सोनू भैया टॉस क्या हो गया थोड़ा बताइए। टॉस हम लोग जीते हैं और पहले बैटिंग करेंगे। तो कितना ओवर का मैच रहेगा? 20 ओवर का। तो गाइस टॉस जीते हैं और 20 ओवर का ये मैच रहेगा और बिल्कुल पूरा अंत तक आप लोग देखिएगा, बहुत मजा आएगा। शॉट है भाई, रॉबिन कितना लंबा मार दिया यार। इस तरह जूम करके देखे बॉलर और बैट्समैन। आउट, सारे आउट हो गए।
खिलाइए ना। शॉट है और मैं ड्रेस अप कर चुका हूं गाइस और मैच स्टार्ट हो चुका है। रॉबिन ओपनिंग किया है और अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहा है अभी तक। अरे शॉट है पचास, 50 पुर गया रॉबिन का। बढ़िया 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 शाबाश। और हमारे सर कितना स्कोर हुआ सर? 96 हुआ ना, 96 रन हुआ है, 10 ओवर हुए हैं और हमारे 9 विकेट अभी हमारे हाथ में हैं, तो हम 230-40 देख रहे हैं। अब हमारे बल्लेबाजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी इच्छा को पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर 230-40 हम अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं जो विपक्षी टीम की कमर तोड़ने में सक्षम है, तो देखते हैं क्या होता है। रॉबिन जो कि 50 मार के बल्लेबाजी कर रहे हैं, बढ़िया कवर ड्राइव, तगड़ा कवर ड्राइव, 4 रन। शाबाश शाबाश शाबाश। बढ़िया रॉबिन यार, शाबाश, वेल बैट। बाप रे बाप, सबसे लंबा छक्का, शाबाश रॉबिन। शॉट है बेबी, सेंचुरी में मात्र 5 रन कम, सेंचुरी के लिए मात्र 1 छक्का चाहिए और यहां पे सेंचुरी। ओहो शाबाश शाबाश रॉबिन, और मैं बता दूं कि अभी रॉबिन सेंचुरी मार चुका है और मेरी बैटिंग भी नहीं आई है, सर इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? रॉबिन ने सेंचुरी मारी है और यहाँ ढेर सारा इनाम कमेटी की तरफ से भी मिलेगा, और चूंकि मेरे लिए तो बच्चा है तो टीम की तरफ से भी उनको आज 1000 का इनाम मिलेगा गौतम सर की तरफ से इस सेंचुरी पे। और अभी टीम जीतती है तो फिर आगे क्या होता है वो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन जो बच्चे ने मेहनत की है उसके लिए उसको तो रिजल्ट मिलना ही चाहिए, कुछ इनाम मिलना ही चाहिए। शाबाश शाबाश, 6 पे 6 चाहिए। टू मैक्सी अब स्ट्राइक पर, 1 और छक्का बिट्टू मैक्सी के द्वारा, और यहां पर चिप शॉट, और यहां पर हैट्रिक छक्के का चांस बिट्टू मैक्सी, और बॉलर में है कप्तान रेहान, बिट्टू के लिए रेहान 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं बिट्टू मैक्सी। और यहां पर हैट्रिक छक्का लगाते हुए बिट्टू मैक्सी। ओहो बिट्टू मैक्सी 4 छक्के जड़ चुके हैं, और ये कमाल का शॉट था, 4 छक्के। बच्चा लोग ऑटोग्राफ लेते हुए रॉबिन से, क्या रॉबिन सेंचुरी लगाया? मजा आ गया यार, मजा आया। तब कैसा लग रहा था? स्टार्टिंग स्ट्रगल तो है ही हर जगह, 20 ओवर का मैच है तो रुके खेलना है, बाकी निकलने के बाद तो बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया, थैंक यू। हम लोग का बैटिंग हो गया समाप्त, और हमारे सर, क्या सर कैसे हैं?
बिल्कुल सही है, और मेरा अनुमान था कि 230 और वहाँ आसपास हमारी टीम पहुँच गई है, और निश्चित रूप से हमारे पास गेंदबाज अच्छे हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो टीम को कम से कम 150 मतलब 150 से नीचे रोकें ताकि एक अच्छी जीत हमारी हो और फाइनल में पहुँचे हम लोग। और रॉबिन के बारे में क्या कहना है? रॉबिन तो लाजवाब खेला और इस लड़के का मैं फैन हो गया हूँ और मैंने इन्हें पुरस्कार भी अपनी तरफ से दिया है और यहाँ भी ढेर सारा पुरस्कार है और उम्मीद करते हैं कि आगे जो हमारा क्रिकेट क्लब है शांति निकेतन उसके लिए रॉबिन और अच्छा खेलेंगे और अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो उनका भी आप इनाम ले लेंगे। और रही बात आपकी बल्लेबाजी की, तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बल्लेबाजी और अपनी टीम के बारे में दो शब्द जरूर बोलें। लग नहीं रहा था कितना रन चेस हो पाएगा, चेस तो कर ले लोगों ने, पछाड़ गए हम लोग, बट कोई बात नहीं, आगे और खेलेंगे, आगे और जीतेंगे। टूर्नामेंट बहुत काफ़ी अच्छा है और पिच आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा टूर्नामेंट खेल कर यहाँ पर। ठीक है, बैठ लग सर, जीतेंगे आगे। और फाइनली गाइस मैं बता दूं कि मैच बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हाँ फील्डिंग का जो वीडियो था मतलब जो हम लोग ने फील्डिंग किया था तो उसका मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि कैमरामैन तो आया नहीं था, ऊपर से मेरा कैमरा भी डिस्चार्ज था। और यहाँ पे रॉबिन बताएंगे, क्या रॉबिन कैसा रहा मैच? मैच तो काफ़ी अच्छा ही रहा, बैट लक हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, आगे और खेलेंगे और जीतेंगे। तो गाइस अगेंस्ट टीम के नौगछिया टीम के जो अमित हैं, अमित के भाई या अमित खुद, मतलब बहुत अच्छा बैटिंग किया, लाजवाब बैटिंग था, है ना? 96 रन अकेले मारा वो, 96 अकेले मारा, जो कि मैंने बल्लेबाजी तो आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन हाँ मैच बहुत अच्छा रहा। वो लोग करीबन एक ओवर पहले वो लोग मैच जीत गया। तो और यहाँ पे देख सकते हैं छोटे मोटे बच्चे, हाई करो एक बार सब, एक बार तो ये सब रॉबिन के फैंस हैं, रॉबिन के फैंस। क्या रॉबिन? अरे क्योंकि रॉबिन भी आज सेंचुरी लगाया है और रॉबिन का बैटिंग तो बहुत अच्छा रहा लेकिन हार्ड लक था। इस मैच हारने के बाद भी रॉबिन होटल पे लेके आया है क्योंकि सेंचुरी का पार्टी, और आप देख सकते हैं सेंचुरी का पार्टी दे रहा है रॉबिन। तो फाइनली गाइज मैं घर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि पीछे मेरा बैग, तो अभी जस्ट मैं घर आया हूँ और मैं बता दूं कि रॉबिन मेरे साथ ही आया था, तो वो जस्ट अभी बरियारपुर आया था, तो फिर मुझे यहाँ से बाइक से छोड़ना पड़ा उसे मुंगेर, तो अभी जस्ट मैं मुंगेर से उसे छोड़ के आया हूँ, फिर मैं जल्दी से फ्रेश हुआ हूँ और फिर अभी मैं बैठूंगा एडिटिंग करने के लिए वीडियो। और मैं बता दूं कि आज का मैच बहुत अच्छा रहा, बैटिंग तो बहुत लाजवाब था सबका, रॉबिन ने सेंचुरी लगाया, मैंने भी 4 या 5 छक्के लगाए और बहुत ही बेहतरीन सब शॉट्स थे जैसा कि आपने देखा। फिलहाल मैं इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करता हूं। और हम लोग कैसे हारे क्योंकि हम लोग की गेंदबाजी बहुत ख़राब रही, बहुत ख़राब, 230 हम लोग नहीं बचा पाए जो कि सोनू सवोरा, जॉनसन, ऐसे ऐसे गेंदबाज से टीम में, फिर भी तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी अगेंस्ट टीम की और वो लोग ये मैच जीता। फिलहाल कल मेरा मैच कहीं और है और उसका ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, इसलिए आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।